हमारे देश में किसी भी जानवर की हत्या करना न केवल एक गैर कानूनी काम है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। ऐसी एक खबर हमारे सामने आई है जो है गोरमर्डा अभ्यारण सारंगढ़ के कक्ष क्रमांक 928 पीएफ कनकबीरा सर्किल में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दो शिकारियों को 40 किलो चीतल मांस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सारंगढ़ के गोमर्डा अभयारण्य अंतर्गत रामटेक गांव के पास जंगल में करंट बिछाकर शुक्रवार की रात शिकारियों ने वन जीव का शिकार कर दिया था। इसकी सूचना वन विभाग को लगी तो अधीक्षक गोमर्डा अभयारण्य एके विद्याराज के निर्देश पर रात में टीम ने गश्त किया तो टीम ने पाया कि शिकारियों ने जंगली जीवों के गुजरने वाले स्थान में करंट का जाल बिछाया है और आरोपी घर में सो रहे थे। जब रात 11 बजे के आसपास बिजली ट्रिप हुआ तो वन विभाग के कर्मचारियों का शक यकीन में बदल गया और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान रामटेक के कोशाबाड़ी के पास वाले कक्ष नंबर 928 के जंगल में संदिग्ध रूप से बोरी लेकर दो लोगों को निकलते देखा। टीम ने उनको पकड़कर बोरी की तलाश ली गई तो उसमें जंगली जानवर के शिकार भरे हुए थे। वन विभाग के टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी मनबोध कुम्हार, टीकाराम चौहान निवासी रामटेक ने तीन अन्य साथी कंठी, टेंगनू व नवरत्न जो फरार हैं के साथ मिलकर करंट बिछाकर जंगली जानवर चीतल का शिकार करने की बात स्वीकारी। बाद में टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर शिकार बनाने एवं करंट बिछाने वाले स्थान का मुआयना किया जहां तक चीतल मांस से भरा थैला के साथ टांगी व परसूल जब्त किया गया। विभाग ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। वहीं पकड़े गए आरोपी टीकाराम चौहान व मनबोध को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया जबकि फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।